हेलो एवरीवन, दिस इज मी साबिया। फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से कब और कैसे मिलोगे। तो ये रीडिंग देख सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट, आप अपने सोलमेट से कब और कैसे मिलोगे? कब और कैसे मिलोगे आप अपने सोलमेट से? लेट्स फाइंड आउट। आप अपने सोलमेट से कब और कैसे मिलोगे? अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप करंटली हो वही आपका सोलमेट हो, और अगर ऐसा होगा तो जो सिचुएशन हम पिकअप करेंगे यहाँ पर, हो सकता है कि उसी तरह से आप अपने सोलमेट से मिले हो। सो लेट्स सी, आप अपने सोलमेट से कब और कैसे मिलोगे? वी जो हैव द न्यू लव, रिन्यूड होप, कंप्रोमाइज, मेकिंग चेंजेस, फ्रीडम, एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट। ओके, समझ आ गया। अच्छा, आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से तब मिलोगे जब आप किसी एक अनहेल्दी रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे। आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए, अगर आप करंट पर्सन से ऐसी सिचुएशन में मिले हो जब आप किसी अनहेल्दी कनेक्शन में थे, जहां पर बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा आप सेटल इन फॉर लेस कर रहे थे पर्सन के साथ, जब आप उस रिलेशनशिप से निकलोगे तब आपका सोलमेट आपकी जिंदगी में एंटर होगा। आप में से कुछ लोग राइट नाउ कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो, जिसको आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कंसिडर कर रहे हो, वो आपका सोलमेट नहीं है। जो आपका सोलमेट होगा उसके आने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां और फुलफिलमेंट रहेगी। अगर करंट सिचुएशन में आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको खुद को बार बार चेंज करना पड़ता है उस इंसान को खुश करने के लिए, तो ये पर्सन आपका सोलमेट नहीं है। आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो या अनहेल्दी कनेक्शन में हो जहां पर बहुत ज्यादा आप एडिक्टेड हो और पर्सन जो है आपको वैल्यू या वर्थ नहीं करता है। आप बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा कोशिश करते हो कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सको। आपने बहुत कुछ चेंज किया है, बदला है अपने अंदर उस इंसान के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन फिर भी आपके साथ खुश नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने इस हद तक अपने आप को बदला है कि आपको कभी कभी खुद से घुटन होती है, कभी कभी आपको खुद से दिल करता है कि आप अपने आप को फ्री कर दो। आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो क्योंकि आप अब खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हो कि आप खुद क्या थे और क्या बन चुके हो इस इंसान के चक्कर में। सो जब आप ऐसे किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप से निकलोगे तब आप यू गोना गो बैक टू द बेसिक। आप जैसे पहले थे, जैसे आप इनिशियली थे, जैसे आप एग्जिस्ट करते हो, जो आपकी ट्रू एसेंस है, जब आप उस एसेंस पे वापस जाओगे, रियलाइज करते हुए कि यू डोंट डिजर्व दिस, जहां पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है और पर्सन आपको बैडली ट्रीट कर रहा है, तब आपकी जिंदगी में एक फेज ऑफ बीइंग अलोन के बाद आपकी जिंदगी में ये पर्सन आएगा, जो कि आपकी जिंदगी में एक नया प्यारा सा चैप्टर आपकी जिंदगी में स्टार्ट करेगा, और वो पर्सन आपका सोलमेट होगा। इस इंसान के लिए आप अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलोगे, आप जैसे हो वैसे ही ये पर्सन आपको चाहेगा, प्यार करेगा, इसके दिल में आपके लिए वैसे ही में रिस्पेक्ट रहेगी। आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अगर किसी भी एंगल से अपने आप को मोल्ड कर रहे हो टू हैप टू मेक योर पर्सन हैप्पी, तो ये पर्सन आपसे कभी खुश नहीं होगा। अभी ये कुछ और चेंज आ रहा है, बाद में कुछ और चेंज आएगा। आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर जो होगा, वो पर्सन है जो आपको वैसे चाहेगा जैसे आप करंटली हो, इमोशनली, लुक वाइज, फिजिक वाइज, हर तरह से ये पर्सन आपको प्यार करेगा, चाहेगा, आपको वैल्यूड फील कराएगा। ये पर्सन के लिए आपकी प्रेजेंस इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करेगी। लेकिन मजे की चीज जो मुझे लग रही है, जो अच्छी चीज मुझे लग रही है, वो ये है कि जब आप इस एडिक्शन में से निकल आओगे, और अगर आप ऑलरेडी निकल चुके हो एंड यू आर ट्राइंग टू हील योर हार्ट एंड मूव ऑन, ताकि आप अपने लाइफ पार्टनर के क्लोज हो सको, उससे मिल सको, मुझे लगता है कि आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए जब आप उस जोन में होगे ना जहां पर आप अपनी लव लाइफ को लेकर सरेंडर कर चुके होगे, आप सोच नहीं रहे होगे कि कौन है मेरा लाइफ पार्टनर, कौन है मेरा सोलमेट, तब ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर होगा। आप एक ऐसी नई जर्नी पे हो इंडिविजुअली, तब ये आपकी जिंदगी में पर्सन एंटर होगा। लेट्स सी कि आपकी मुलाकात कैसे हो सकती है इस इंसान के साथ, कैसे मुलाकात हो सकती है इस इंसान की आपके साथ। ओके, वी डू हैव अ फ्यू कार्ड्स। एक ये कार्ड गिरा है और दूसरा ये है, शेयर, इनवाइट फ्रेंड्स टू योर होम। आप में से कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पे मिल सकते हो आप इस इंसान के साथ, या फिर किसी फ्रेंड्स के साथ
हो सकता है कि यू आर इनवाइटेड टू अ प्लेस, कोई पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकती है, कोई वर्क या ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है, वहां पर आपका इस इंसान से मिलने के चांसेस काफी ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। आप इसे अगेन कुछ लोगों के लिए, जब आप एक टॉक्सिक साइकिल खत्म करते हो और अपने आप को क्लेंस आउट करते हो, हर वो चीज जो आप अपने आप को क्लेंस आउट करने के लिए कर रहे हो, वहां पर इस इंसान का मिलना आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। एक ऐसी चीज जो यू लव डूइंग, अगर आप पानी में जाना पसंद करते हो, स्विमिंग पूल हो गया, या फिर आप बीच पे जाकर वॉक करना पसंद करते हो, यू फील द क्लेंजिंग एनर्जी, अगर आप यू नो उसमें जाते हो, सी साइड पे जाते हो, बीचेस पे जाते हो, वहां पे भी मिलने के चांसेस इस इंसान के ज्यादा हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपनी आपके पास कैट्स हैं और आप उसको यू नो यू टेक योर कैट्स और डॉग्स और योर पेट्स आउट फॉर वॉक, वहां पर भी आपका इस इंसान से मिलने के चांसेस डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है कि पर्सन कैट लवर हो या फिर आप खुद एक कैट लवर हो, मुझे लगता है कि इस इंसान के पास कोई पेट जरूर होगा। सो ऐसी सिचुएशन में आपकी इस इंसान के साथ मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा देखते हैं फर्दर हम क्या जान सकते हैं आपके सोलमेट के बारे में, क्या जान सकते हैं आपके सोलमेट के बारे में। आपकी आपकी शादी जो है ना, वो आपके सोलमेट से होगी। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहेगा, ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहेगा, जो कि बहुत ज्यादा एक कंफर्म्ड चीज है उसके माइंड में कि उसको ये आपके साथ चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होगा ना आपका सोलमेट, ये आपके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा, यू नो वेस्ट नहीं करेगा, कि जैसे यू नो इसको पता होगा कि हाँ यू आर द वन, और ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहेगा, और मुझे लगता है कि एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करेगा आपकी आपकी तरफ आपके साथ। और इस तरह से आपका जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा आपका इससे मिलना और शादी होना, बहुत जल्द हो जाएगा। सो ये पर्सन आपकी जिंदगी में जैसे भी आता है, फ्रेंड्स के थ्रू भी आ सकता है, हो सकता है कि आपको खुद कहीं ये पर्सन मिले, जिस तरह से भी ये पर्सन आपकी जिंदगी, मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा या फिर फ्रेंड्स के थ्रू आपको अप्रोच करेगा, ये फैमिली के थ्रू मैटर नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि जब ये आपको मिलेंगे, उनको पता होगा कि यू आर द वन, उनको आपके अंदर कुछ पसंद आएगा, तो फ्रेंड्स के थ्रू, जैसे किसी फ्रेंड की गैदरिंग में गए हो, फ्रेंड की शादी पे गए हो, वहां पे भी मुलाकात हो सकती है, वहां पे भी ये पर्सन आपको देख सकता है, लेकिन ये खुद आपको चूज करेंगे, ये खुद आपकी तरफ आएंगे, ये खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सो इस तरह का पर्सन होगा आपका जो सोलमेट है। अभी आप किसी भी कनेक्शन में अगर हो और अनहेल्दी है वो कनेक्शन, उसमें अनहेल्दी अटैचमेंट है आपके एंड से या पर्सन के एंड से, और आपको एक एडिक्शन वाली एनर्जी फील होती है, एक आपको दिल करता है कि आप अपने आप को उससे ब्रेक फ्री करो, तो वंस यू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट कनेक्शन, उसके बाद आपका सोलमेट एंटर होगा आपकी जिंदगी में, जब यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव। देखते हैं कि कब आ सकता है पर्सन आपकी जिंदगी में, कब आएगा आपका सोलमेट आपकी लाइफ में, कब एंटर होगा आपका सोलमेट आपकी लाइफ में। इसके बाद चार्म्स ऐड कर देंगे जस्ट टू नो मोर अबाउट योर सोलमेट, लेकिन देखते हैं कि कब आएगा आपका सोलमेट आपकी लाइफ में। 6 days 6 weeks, नंबर 6 काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। 6 days फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर हो सकता है, 6 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर हो जाएगा, जिससे आपकी शादी होनी है, जो आपका सोलमेट है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये 6 दिन 6 महीने 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में आता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी इससे हो सकती है मेजोरिटी लोगों के लिए। और अगर मैं मैक्सिमम भी लेकर जाऊं इसको, तो अगले साल का 6ठा महीना काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा, क्योंकि जो जो एनर्जी है ना, दिस इज वेरी स्विफ्ट, दिस इज वेरी क्विक। सो आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप करंटली किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकता है कि आप 6 दिन से 6 हफ्ते उस टाइम को खत्म करने में ले जाओ, उसके बाद आपका 6ठा महीना सिग्निफिकेंट हो जाए आपके लिए, लेकिन इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। अगर आप ऑलरेडी एक फ्रीडम वाले जोन में चल रहे हो, जहां पर यू हैव सरेंडर्ड, तो बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलोगे, और आपका जब गेट टू नो ईच अदर करोगे, तो आपकी शादी के चांसेस जो है वो 6 महीने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जो है वो बन जाएंगे। दैट मीन्स के मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिलोगे, और उसके बाद का जो यू नो उसके बाद जो 6 महीने का टाइम होगा, उसमें चांसेस काफी स्ट्रांग रहेंगे कि आपकी शादी इस इंसान से हो पाए। सो 6 का एलिमेंट काफी सिग्निफिकेंट है, 6 दिन 6 हफ्ते 6 मंथ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपके इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। आप ऐसे मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने से वाला जो 1 से 1.5 महीना है, वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपकी इस इंसान से मुलाकात होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखे जे तो। और मुझे लगता है कि अगर उससे ऑनवर्ड्स अगर हम महीने को काउंट करें,
क्योंकि ये रीडिंग हम कर रहे हैं सितंबर में. सितंबर अक्टूबर काफी सिग्निफिकेंट रहेगा मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक मुझे लगता है कि यू वुड ऑलरेडी बी लाइक मैरिड टू दिस पर्सन. सो या ये रीडिंग आप लोगों की. अच्छा अभी हमने चार्म्स ऐड करने हैं, फॉरगॉट. चार्म्स देख लेते हैं जल्दी से टू सी फर्दर मोर अबाउट दिस पर्सन. जो भी आपका सोलमेट है उसके बारे में जान लेते हैं फर्दर चार्म्स के साथ. देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करता है. अल्फाबेट्स में वी डू हैव अ जी जी ई क्यू एक्स बी ओ ई बॉक्स ई से कोई नाम हो सकता है, जी से कोई नाम हो सकता है, क्यू से कोई नाम हो सकता है इस पर्सन का. फाइव ऑफ सोल्स क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड द किंग ऑफ हार्ट्स. अगेन मुझे लगता है कि आप जब अपने इनर बैटल एक विन करोगे उसके बाद ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा. ये पर्सन आपको चूज करेगा, इसके पास ऑप्शन हो सकते हैं और, लेकिन जब ये आपको देखेगा आपके पास आएगा इसको लगेगा कि यू आर द वन फॉर देम. आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो और बहुत ज्यादा लोग आपको चाहते हैं. आपके पर्सन के साथ भी सेम सिचुएशन रहेगा, बट एट द सेम टाइम जब ये आपको देखेंगे इनको आप चाहिए होगे और कोई और नहीं चाहिए होगा. आई फकिंग हेट दैट आई लव यू. ये पर्सन ने इतना प्यार कभी किसी को नहीं किया होगा जितना ये प्यार आपको करेंगे. यू आर माइन ऑल माइन. ये पर्सन बहुत ज्यादा पोजेसिव होगा, प्रोटेक्टिव होगा आपको लेकर, और मुझे लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में इतना प्यारा रिलेशनशिप कहीं नहीं एक्सपीरियंस किया होगा जैसा इस इंसान के साथ आपका रहेगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प के मिला हो, गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर. और अगर आप पाम रीडिंग्स लेना चाहते हो मेरे साथ तो वो भी आप कर सकते हो. उसके लिए रीच आउट करो ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.